बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम, जो अपनी शानदार फिटनेस और दमदार एक्शन के लिए मशहूर हैं, उनका कहना है कि वो नहीं जानते कि सोशल मीडिया का यूज कैसे किया जाता है। यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लीजिए। Yeah, I don't say. I think social media is a very powerful medium, and for especially for me because I'm an animal lover. So to protect animals, I think it's a great medium. My problem is, I don't know how to use social media. I'm not good at it. So when someone's not really good at it, then I don't know why I need to be there. जॉन ने हो बात हाल ही में मुंबई में हुए अपनी अपकमिंग फिल्म अटैक के दूसरे ट्रेलर लॉन्च के दौरान कही। इस दौरान रकुल प्रीत सिंह और जैकलीन फर्नांडिस सहित टीम के अन्य लोग भी मौजूद थे। अटैक 2 ट्रेलर जबरदस्त एक्शन सीन्स से लेकर जैकलीन के साथ जॉन की रोमांटिक केमिस्ट्री तक इस ट्रेलर में काफी कुछ है। हालांकि हॉलीवुड फिल्में देखने वाले दर्शकों को ये फिर एक बार मार्वल की फिल्म आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की याद भी दिलाता है। फिल्म 1 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी ने सोमवार को खुलासा किया कि बॉलीवुड अभिनेता और उनके बचपन के दोस्त अजय देवगन का पहला प्यार निर्देशन था और वह हमेशा से निर्देशक बनना चाहते थे। उन्होंने फिल्म मेकिंग की टेक्निक्स पर भी अजय की नॉलेज की तारीफ की। रनवे 34 की ट्रेलर लॉन्च के मौके पर गोलमाल के निर्देशक का कहना था, बहुत से लोग होते हैं जो राइटर से डायरेक्टर बनते हैं, एक्टर से डायरेक्टर बनते हैं। अजय सर ने भी वही किया, लेकिन एक और सीक्रेट है जो कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं, हम जैसे जब जिन्होंने बचपन साथ में गुजारा है कि ये पहले डायरेक्टर ही बनना चाहते थे। हम लोगों ने इनसे काम सीखा, लेट मी टेल यू। और ही ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ डायरेक्टर, ही बिकेम एन एक्टर, एंड देन अब जाके यानी कि करीबन 15-20 साल से अगर आप देखें, यूमी हम शिवाय बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने डायरेक्ट किया, और आज भी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नीशियन। जितने अच्छे एक्टर हैं उससे ज़्यादा अच्छे टेक्नीशियन है ये। एंड एक जर्नी रही है, एक रेवोल्यूशन रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं टेक्निकली, आप सब जानते हैं सिनेमा में, और वो फॉलो करते गए हैं। एंड ये इस फिल्म में भी जब आप प्रोमो देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हाउ टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड। यू नो, जैसे तानाजी जब बनी थी तब एक अलग टेक्निक थी, 3D में वो फिल्म आई थी, आपने विजुअल्स देखा था, इसमें एक अलग तरीके का विजुअल्स है। एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि ये आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। अजय और रोहित को अक्सर साथ में फिल्में करते देखा गया है, दोनों बचपन के दोस्त भी हैं। लोकप्रिय वेब सीरीज द फैमिली मैन के क्रिएटर्स राज एंड डीके अब नेटफ्लिक्स के लिए क्राइम रोमांटिक ड्रामा गर्ल्स एंड गुलाब्स लेकर आ रहे हैं। इस वेब सीरीज में राजकुमार राव, दुलकर सलमान और आदर्श गौरव मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। नेटफ्लिक्स ने मंगलवार को राजकुमार का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है। राजकुमार, दुलकर और आदर्श ने अपने इंस्टाग्राम पर वेब सीरीज का अपना पहला लुक रिवील किया। गर्ल्स एंड गुलाब्स की कहानी 90 के दौर में दिखाई जाएगी। राजकुमार के लुक में भी उसी दौर की झलक मिलती है। लंबे बाल और कोला चूसते हुए राजकुमार का लुक काफी दिलचस्प है। खास बात यह है कि नेटफ्लिक्स के लिए राज एंड डीके और राजकुमार की यह पहली वेब सीरीज है। पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन कई दिनों से अपने बॉयफ्रेंड रोमन शॉल संग हुए ब्रेकअप को लेकर सुर्खियों में छाई हुई थी। कुछ समय पहले सुष्मिता ने ही सोशल मीडिया के जरिए अपनी लव लाइफ के बारे में खुलासा करते हुए कहा था कि उनका और बॉयफ्रेंड रोमन शॉल का ब्रेकअप हो गया है, अब उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली। पर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि फैंस देखकर दंग रह गए। दरअसल हाल ही में सुष्मिता एक बार फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोमन शॉल के साथ स्पॉट हुई। दोनों को सोमवार को बांद्रा में स्पॉट किया गया। दोनों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खास बात यह थी कि अपनी इस आउटिंग के दौरान दोनों ही मैचिंग आउटफिट में दिखाई दिए। वीडियो में अभिनेत्री डेनिम की शर्ट और ब्लैक लेगिंग पहने नजर आई। इसके बाद सुष्मिता सेन ने अपने फैंस के साथ सेल्फी ली और रोमन शॉल गाड़ी में बैठने में अलीसा की मदद करते दिखे।
इसके बाद वह सुष्मिता के पास आकर खड़े हो गए। हालांकि जब सुष्मिता सेन को उनके चाहने वालों की भीड़ ने घेर लिया तो रोहमन एक जेंटलमैन की तरह उन्हें प्रोटेक्ट करते भी दिखे। वहीं एक्ट्रेस को रोहमन के साथ देखकर एक बार फिर उनके फैंस कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। सुष्मिता सेन और रोहमन शॉल की लव स्टोरी किसी से छिपी नहीं है। वह उनसे उम्र में छोटे थे पर दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत स्पेशल था। दोनों कई बार साथ में स्पॉट होते थे। सोशल मीडिया के जरिए भी दोनों कई बार एक दूसरे के लिए अपना प्यार जाहिर करते थे। वर्क फ्रंट की बात करें तो सुष्मिता को हाल ही में राम माधवानी द्वारा निर्देशित अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकित वेब सीरीज आर्या के दूसरे सीजन में देखा गया था। अभिनेत्री करीना कपूर खान बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में खास जगह बनाई है। करीना अपनी फिटनेस का भी काफी ध्यान रखती हैं। लेकिन अगर करीना के सामने खाना आ जाए तो वह खुद को रोक भी नहीं पाती हैं। इस वक्त करीना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में करीना जमकर बिरयानी का लुत्फ उठा रही हैं। इस वीडियो को खुद करीना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। करीना कपूर खान हाल ही में मालदीव से छुट्टियां बिताकर लौटी हैं और उनके साथ इस वेकेशन में तैमूर, जेह, करिश्मा कपूर खान और करिश्मा के दोनों बच्चे कियान और समायरा भी मौजूद थे। करीना कपूर ने हाल ही में अपने अगले प्रोजेक्ट का ऐलान किया। वह नेटफ्लिक्स की फिल्म कर रही हैं। सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जयदीप अहलावत और विजय वर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसके अलावा करीना आमिर खान के साथ अदित्य चंदन द्वारा निर्देशित फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आने वाली हैं। कंगना रनौत का रियलिटी शो लॉकअप धमाल मचा रहा है। शो को लेकर खबर आ रही थी कि कंगना के शो में टेलीविजन अभिनेत्री रश्मि देसाई की भी एंट्री हो सकती है, पर रश्मि ने इन सब अफवाहों का खंडन किया है। वह कहती है, मैं प्रतियोगी के रूप में लॉकअप में शामिल नहीं हो रही हूं। मैं सेम फॉर्मेट का शो बिग बॉस कर चुकी हूं और मैं इन दिनों अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर काफी खुश हूं। लेकिन एक्ट्रेस का कहना है कि वह शो में बतौर गेस्ट आ सकती हैं। हां, अगर कोई गेस्ट अपीयरेंस है तो मुझे अपने प्रशंसकों के लिए ऐसा करना अच्छा लगेगा। मैं चाहूंगी कि मेरे बारे में लिखे जाने से पहले लॉकअप में शामिल होने की अटकलों को वेरीफाई किया जाए। लेकिन बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिन पर मैं काम कर रही हूं, इसीलिए बने रहें। लॉकअप ऑल्ट बालाजी और एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होता है। सामंथा के फैंस के लिए खुशखबरी है। जल्द ही सामंथा और विजय देवरकोंडा को एक नई फिल्म में साथ देखा जाएगा। फिल्म के बारे में हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि दोनों एक नई केमिस्ट्री निभाते नजर आएंगे। सामंथा और विजय देवरकोंडा की आने वाली फिल्म कश्मीर की पृष्ठभूमि पर होगी और इसकी अधिकांश कहानी जाहिर तौर पर कश्मीर के इलाकों में ही होगी। किन्नू कोरी, मंजली और टक जगदीश फिल्मों के निर्देशक शिव निर्वाण इस फिल्म को बनाएंगे। इसमें सामंथा विजय के साथ रोमांस करती नजर आएंगी, जबकि टीम ने अभी फिल्म के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया है। इन दिनों विजय देवरकोंडा अपनी फिल्म
लाइगर की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सामंथा की महाकाव्य प्रेम गाथा शाकुंतलम इस साल के अंत में स्क्रीन पर रिलीज होगी। लाइगर, नेवर मिस एन अपडेट।